तो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में श्रद्धालु के दर्शन का आज दूसरा दिन है। आज भी श्रद्धालु का सैलाब मंदिर के बाहर उमड़ा हुआ है। पूरी रात भर श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए कतार में लगे दिखाई दिए। पहले दिन करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने एक दिन में भगवान रामलला के दर्शन किए। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। भीड़ बढ़ने के बाद सीएम योगी ने अयोध्या पहुंचकर खुद व्यवस्था की कमान संभाली। श्रद्धालुओं की भीड़ को काबू में करने और उनकी सुविधा को लेकर अफसरों को कई आवश्यक दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से मिले हैं। भीड़ को देखते हुए दर्शन के समय को रात 10 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले दिन लगभग 5 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान रामलला के दर्शन किए। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को आसपास के जिलों में रोक दिया गया ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती रहे, जिससे कि जो लोग इस वक्त अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे हैं उनको भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, भीड़ बहुत ज्यादा ना बढ़े। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जब अंदर अयोध्या की भीड़ थोड़ी खाली हो जाएगी तो फिर उनको अलग अलग जगहों पर एंट्री दी जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मतलब आप सोचिए कि रात के 10 बजे तक दर्शन किए हैं, रात से ही फिर सुबह के लिए लाइन लग गई है। पुलिस की व्यवस्था भी इस तरह की है कि पुलिस भी लगातार वहां मुस्तैदी के साथ खड़ी है। कल रात मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे थे। बढ़ती भीड़ को लेकर उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं और कहा है कि किसी तरह की असुविधा राम भक्तों को ना हो, इसीलिए जो भी काम वहां पर किए जाने हैं, व्यवस्था को दुरुस्त करना है, वो तमाम अधिकारियों को वहां पर बताया कि किस तरह से व्यवस्था दुरुस्त करनी है। जो अयोध्या में श्रद्धालु इस वक्त है उनको सही तरीके से राम लला के दर्शन हो जाए, और साथ ही जो बाहर से आ रहे हैं उनको फिलहाल रोक दिया गया है क्योंकि बढ़ती भीड़ अयोध्या में बहुत ज्यादा हो गई है। इसलिए उनको तब एंट्री मिलेगी जब अयोध्या में भीड़ थोड़ी सी छटेगी। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले ही दिन रामलला के कपाट जैसे ही खुले हैं, लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु राम भक्त वहां पर पहुंचने शुरू हो गए। कल हमने देखा कि किस तरह से तड़के 3 बजे से ही लाइन लगनी शुरू हो गई थी। पहले दिन 5 लाख भक्तों ने दर्शन पूजन किए हैं। दूसरे दिन की भीड़ भी हम आपको दिखा रहे हैं। ठंड है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन एक झलक रामलला के दर्शन पाने के लिए लोग वहां पर लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। और उनका कहना है कि देखिए, रामलला के जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। कोई पैदल चलकर आ रहा है, कोई हवाई मार्ग से, रेल मार्ग से, कई कई लोगों ने तो 5-5, 6-6 दिन का समय भी तय किया है और पैदल मार्च कर आगे निकल रहे हैं। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री पहुंचे थे, यहां पर जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तो तीन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि रामलला के दर्शन के लिए किस तरह से लोग इस वक्त वहां पर डटे हुए हैं और दर्शन पूजन करना चाहते हैं रामलला के। और हम लोग 10 तारीख से यहां पे आए हुए हैं और आज रात को हम 2 बजे यहां पे लाइन में लग गए थे। प्राण प्रतिष्ठा में भी हम लोग गए थे और हमारा पूरा एक ग्रुप है, 55 आदमी हम आए हुए हैं और हम 55 आदमी सुबह 2 बजे से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। हाँ जी, हम लोग जगन्नाथपुरी से आए हैं, हाँ, बाइक टूर से आए हैं। 16 तारीख से हाँ जी लंबी लाइन लगी, अभी तो हमने 3 दिन से ना लाइन चल रहा है। अभी मतलब कल भी दर्शन मिले प्रभु को, तब तो हम दर्शन किए, बहुत मन भर गया पूरा। मैं जम्मू कश्मीर उधमपुर से आया हूँ, जम्मू से 65 किलोमीटर आगे। प्रभु राम से यही कहूंगा कि जैसे आपका घर बना, ऐसे ही हिंदुस्तान का हर एक तीर्थ स्थल बने। नरेंद्र भाई मोदी जी की इतनी आयु लंबी हो कि वो अपने आयु में सारे देश के तीर्थ स्थल इतने बढ़िया बना दे जैसे ये मेरे बुजुर्ग हैं, जैसे उनको कोई मुश्किल नहीं आए। और मैं एक बात साथ में कहना चाहता हूँ कि जैसे ये दर्शन बंद कर देते हैं, सुबह 4 बजे दर्शन खुलने चाहिए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। नरेंद्र मोदी भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आपने देखा कि किस तरह से राम भक्तों में उत्साह है। राम के एक दर्शन पाने के लिए लोग वहां पर लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं और आज सुबह से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। अब उन तस्वीरों को लेकर मेरे साथ अयोध्या से राजीव सिंह और निमिष गोस्वामी जुड़ गए हैं। पहले राजीव के पास चलते हैं। राजीव, कल जैसे ही कपाट खुले वहां पर अथाह भीड़ दिखाई दी, लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। पहले दिन 5 लाख लोगों ने दर्शन किए और आज दूसरा दिन है, आज की क्या स्थिति है? आज भी उसी तरह से भक्तगण लाइन में लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और रामलला के एक दर्शन पा लेना चाहते हैं क्या?
अब देखिए 500 वर्षों के बाद रामनगरी अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बना है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में जो दर्शक जो श्रद्धालु हैं उनका अयोध्या पहुंचना शुरू हो चुका है और बेहद आस्था विश्वास और श्रद्धा के साथ यहां पर लोग ब्रह्म मुहूर्त से ही लाइन में लग कर दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कल पहला दिन होने के कारण थोड़ी अव्यवस्था दिखी थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि पुलिस पीएसी सीआरपीएफ आरएएफ और अन्य जो विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के जवान हैं वो इस वक्त बेहद सुगमता से जो यहाँ पर लाखों राजीव लोगों से भी बात करते चलिए, लोगों से भी बात करते चलिए क्योंकि वो लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। क्या उनको लग रहा है कि ठंड बहुत ज्यादा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, कुछ मन में आ रहा है कि नहीं आप वापस चले जाते हैं बाद में आएंगे, ऐसा कुछ सोच रहे हैं या फिर लग रहा है कि कितना भी कष्ट हो रामलला के दर्शन तो करके ही जाएंगे? देखिए ये लोग ब्रह्म मुहूर्त से लाइन में लगे हैं और ये लाइन जो है करीब 3 किलोमीटर लंबी है। कहाँ से आए आप लोग? भाग्यनगर तेलंगाना से आए। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। कितने बजे से लाइन में? हम लोग 5:30 बजे से। आपका? एक घंटा तेलंगाना से हूँ मैं, भाग्यनगर से बात कर रहा हूँ मैं। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत आनंद हो रहा है। कब से लाइन में? 1 घंटा हुआ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान राम की नगरी में कुछ बदलाव दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है, लाइन बहुत बड़ी लाइन लगी। कहाँ से आए आप? हैदराबाद से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है कि कैसा अयोध्या में कोई बदलाव? बहुत सारा बदलाव, 6 महीने पहले से अभी बहुत सारा बदलाव हो चुका है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार इन जो श्रद्धालु हैं इनको सुगमता से दर्शन कराया जा रहा है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये जो कतार है ये बेहद लंबी कतार है। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद। कहाँ से आए महाराज जी? हम तो हरिद्वार से आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत व्यवस्था बढ़िया है। हम जगन्नाथ धाम पूरी ओडिशा से आया हूँ, श्री श्री अश्विन कुमार महाराज। यहाँ से जो बंदोबस्त हुआ है जोगी महाशय बहुत अच्छा कर रहे, बहुत प्रोटोकॉल से हम लोग जा रहे, ऐसे सुविधा कोई धाम से नहीं मिलेगा। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि लोग यहाँ पर जो राम भक्त पहुँचे हैं वो योगी मोदी की व्यवस्था को तारीफ करते नजर। कहाँ से आया? मैं दिल्ली से आया हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत सही, बहुत अद्भुत अनुभव है। हाँ। मतलब